नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर कांग्रेस समीक्षा बैठक कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वही बैठक में मुख्य रूप से निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर भी चर्चा होगी और ये देखा जाएगा किन सीटों पर पार्टी उम्मीद के अनुरूप अच्छा नहीं कर सकी। इसके साथ ही नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर भी मंथन होगा और पार्टी में निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए कुछ नए चेहरों को भी कार्यकारिणी में स्थान मिलने की चर्चाएं हैं। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर अब कांग्रेस समीक्षा बैठक करने जा रही है। वहीं इस समीक्षा बैठक में उम्मीद है कि कई नए चेहरों को भी अब 2024 के लिए मौका मिल सकता है, आपको बता दें। और पार्टी में निकाय चुनाव के नतीजों को देखते हुए ये जो समीक्षा बैठक है ये रखी गई है, आपको बता दें। जहां प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी आज पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वही बैठक में मुख्य रूप से निकाय चुनाव में मिली हार और जीत को लेकर चर्चा होगी। साथ ही 2024 की जो चुनाव है उसको लेकर रणनीति भी तैयार होगी और कुछ नए चेहरों को भी इस बार मौका मिल सकता है, आपको बता दें। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी है। तो सुहानी, आज समीक्षा बैठक है कांग्रेस की, क्या कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं इस बैठक में? ये जो बैठक हो रही है आज पार्टी जो जिला अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष जो पार्टी का अध्यक्ष है वहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ब्रजलाल खाबरी, वो आज पार्टी मुख्यालय पर एक समीक्षा बैठक करेंगे। और इस बैठक में आपको बता दें कि 6 प्रांतीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक जो होगी ये पूरी तरह से आपको बता दें निकाय चुनाव में आए नतीजे के पूरे पर देख रेख के होगा कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी कहाँ और किस जगह पे अच्छा प्रदर्शन किया और किस जगह पे वो कमज़ोर है, और इस सब चीज़ों को लेकर आज पूरी तरह से समीक्षा बैठक होगा। और इसमें अन्य जो कार्यकर्ता वो भी इसमें रहेंगे और तमाम जो जिला अध्यक्ष अधिकारी जो रहेंगे वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस पर चर्चा होगी। आपको बता कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठक जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये बैठकें की जा रही है, पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। इस बैठक में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो है वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में जो खोई हुई जमीनी उनकी सियासत है वो फिर से उसको पाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है और इसीलिए ये पूरी अपने अभी से तैयारी कर रही है, क्योंकि ये 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वही कांग्रेस जो है इस बार निकाय चुनाव में मिली हार और जीत पे मंथन करेगी और वही आपको बता दें कि इसके लिए वो नए चेहरे का भी इस बार अब मौका दे सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में खुद प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पूरी तरह से इसका कर रहे हैं और वो पूरी तरह से इसका करके उस पर मंथन करेंगे कि आखिर कहाँ पे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है और कहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इसी सब को लेकर वो आज जो है बैठक करेंगी और इस सब चीज़ निकाय चुनाव के हार जीत पर चर्चा करेंगे। जी सर, निकाय चुनाव में जो कांग्रेस को हार मिली है वो आगामी 2024 के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकती है? जी ईशा, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो सभी पार्टियां जो है इसे कमर कर चुकी है और तो इस पर पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गई है। अगर इस पर निकाय चुनाव को जो मिली हार जीत कहीं ना कहीं निकाय जो 2024 का चुनाव है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है और इसी को लेकर जो सभी पार्टियाँ हैं अभी से ही जनसभाएँ कर रही है, जनसंपर्क कर रही है और लोगों से मिल रही है, अपनी जो उपलब्धियाँ हैं वो लोगों से बता रही है और इसके लेकर सभी पार्टियाँ तैयारियों में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस के
में जो कर्नाटक में जो जीत मिली है उसके लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। और आप खुद देख सकती थी कि किस प्रकार से जब मुख्यमंत्री के जो शपथ ग्रहण पे जब बेंगलुरु में हुआ था तो तमाम विपक्षी दल जो है उनको कांग्रेस जो है न्योता दी है और उनको लेकर अपना जो बातें कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि अगर बीजेपी को इस बार 2024 में हराना है, कांग्रेस जो साफ तौर पर कह रही है कि अगर हराना है तो हमें एकजुट होकर और इस 2024 का चुनाव लड़ना होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है इस बार पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि पिछले साल भी जैसे 2018 में भी जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण हुआ था तब भी विपक्ष एक साथ जुटे हुए थे, बेंगलुरु में दिखे थे, और इस बार भी वही हुआ। लेकिन 2019 का आप मामला खुद जानती हैं कि भारी मत से विजयी जो है जो बीजेपी है अपनी बहुमत लेकर आई थी, लेकिन इस बार भी वही हो रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। अब देखा जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर क्या हो रहा है, क्या बीजेपी अपनी फिर से जो दोबारा अपने लेके आएगी सत्ता, और क्या कांग्रेस अपनी जो कोशिश कर रही है, अपनी जद्दोजहद कर रही है फिर से देश में अपना सरकार लाने के लिए, क्या उसमें वो सफल हो पाएगी। तो इसे तमाम जो है क्वेश्चन आ रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है 2024 का कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जैसा सवारी आपने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूपी में निकाय चुनाव होते हैं, यूपी में जिनको जीत मिलती है वो कहीं ना कहीं केंद्र के लिए रास्ता खोल देती है, लेकिन यूपी के जो निकाय चुनाव है उसमें बड़ी हार मिली है कांग्रेस को, तो जो केंद्र के रास्ते हैं वो कैसे जो कांग्रेस के लिए खुलेंगे? जी ईशा, आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है वो पूरी तरह से चुनाव के लिए एक अलग ही मोड दिखाता है, क्योंकि यहीं से पूरा जो बता जो चुनाव का रास्ता खुलता है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए जो अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी हैं वो तमाम यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो एक रास्ता होता है जो उत्तर प्रदेश का यहीं से खुलता है। और इसीलिए जो सभी पार्टियाँ हैं उत्तर प्रदेश से ही अपनी जनसभाएँ दौरा शुरू करते हैं और यहाँ के लोगों को समझने और उनको अपने चीज़ों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो अगर निकाय चुनाव में जो कांग्रेस को हार मिली है वो कहीं ना कहीं के लिए सही साबित नहीं है, तो इसीलिए ये अब पूरी तरह से यहाँ पे अपनी कोशिशों में जुटी हुई है कि हम जो भी है निकाय चुनाव 2024 का उसमें हार और जीत का कहाँ हमें जीत मिली कहाँ हार मिली है उन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए नए जो कार्यकर्ता नए कार्यकारी को भी मौका इस बार दे रहे हैं। और जो केंद्र सरकार की अब बात कर रही है तो केंद्र सरकार के लिए जो बीजेपी अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो सत्ता को मजबूत करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रही है, और साफ तौर पर इसमें बता विपक्षों में जो सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव हो गए, वही नीतीश कुमार भी उनके साथ मिलने के लिए तैयार हो गए। वही आपको बता दें कि जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि कर्नाटक की जीत के बाद हम कांग्रेस से हाथ मिलाने के तैयार हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का जो शपथ दिलाया जा रहा था तो उसमें ममता बनर्जी नहीं गया और अपने जो कार्यकर्ता उनको भेज दी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि उनका भी एक ही मोटिव है कि इस बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना। तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल एक साथ है और वो पूरी तरह से बीजेपी को हराने के लिए अपनी जद्दोजहद में लगी हुई अपनी कोशिशें। तो सुहानी, जैसा कि आपने कहा कि नए कार्यकारिणी को मौका मिल सकता है इस बार समीक्षा बैठक में, नए चेहरों को मौका मिल सकता है, तो जो ये नए चेहरे हैं ये क्या 2024 में फायदा पहुंचा सकते हैं कांग्रेस को? जी ईशा, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब कांग्रेस का ये मानना है कि जो भी अभी तक कार्यकर्ता थे या जो नेता थे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसे सफल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो बदलाव चाहती है, क्योंकि साफ तौर पर उसे कहना है कि इस बार हम जातीय समीकरण से लेकर मजदूरों से लेकर जो छोटे जाति के लोग हैं मजदूर किसान उनको लेकर आना चाहते हैं, और इसीलिए आपको बता दें कि नए चेहरे जो कि उन लोग को जाके बातें उनको कहना है कि साफ तौर पर हम एक नया चेहरा लाना चाहते हैं और उसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत मिल सकती है, तो इसलिए वो अपने पार्टियों में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बृजलाल खाबरी का साफ तौर पर कहना है कि अगर केंद्र सरकार का सत्ता लेना है तो हमें उत्तर प्रदेश से ही शुरू करना होगा और उसे बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही चुनाव का एक रास्ता खुलता है, क्योंकि इसमें साफ से बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी घमासान होती है वो पूरी तरह से शुरू हो जाता है, एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरा चुनाव शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और इसलिए वो इस बैठक में निकाय चुनाव के हार और जीत के लेकर मंथन कर रहे हैं और अपने कार्यकारिणी में भी बदलाव करेंगे। जी सुहानी, तो अभी देखने वाली बात होगी कि समीक्षा बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लेगी कांग्रेस। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सुहानी। तो आपको बता दें,
तो आपको बता दें, निकाय चुनाव के परिणामों के बाद अब कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। वहीं अब समीक्षा बैठक में क्या कुछ बड़े बदलाव होते हैं कांग्रेस पार्टी में, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस अब नई कार्यकारिणी को भी मौका दे सकती है ऐसे समीक्षा बैठक में। वहीं जो ये समीक्षा बैठक है, ये आगामी 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर भी की जा रही है। वहीं इसके लिए नई रणनीति अब तैयार होगी 2024 के लिए। वहीं नए लोगों को इस बार पार्टी में मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें, तो निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर अब कांग्रेस समीक्षा बैठक करेगी। कांग्रेस अब इस समीक्षा बैठक में यह देखना होगा कि कांग्रेस कौन से बड़े फैसले लेती है, किसको पार्टी में अब मौका मिलेगा और किसे अब पार्टी अलविदा कह देगी। वहीं ज्ञानव्यापी मामले से जुड़े दो अहम केस की आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई है, जहां पहला मामला ज्ञानव्यापी के संपूर्ण परिसर के साइंटिफिक सर्वे का है। इसमें मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्तियां दाखिल करेगा। वहीं दूसरा मामला कॉन्सिलिडेशन से जुड़ा है, इसमें 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। बताया जा रहा है कि इससे पहले 19 मई को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को साइंटिफिक सर्वे को लेकर बात चर्चा हुई थी। ज्ञानव्यापी के दो मामलों में आपको बता दें आज सुनवाई होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट से कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने का आदेश पारित हुआ था। तो आपको बता दें आज ज्ञानव्यापी से जुड़े सुनवाई होनी है। वहीं एक बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। दो मामलों को लेकर आज सुनवाई होगी ज्ञानव्यापी में। वहीं मुस्लिम पक्ष को जो भी आपत्तियां हैं उसको लेकर भी अब सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी के आज दो मामलों में सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष भी आज अपनी जो आपत्तियां हैं वो दाखिल करेगा। 7 याचिका क्लब करने का आ सकता आज फैसला। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं। तो कलीम, आज क्या कुछ फैसला आ सकता है सुनवाई में? देखिए, जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मामले में तो अहम केस की आज वाराणसी के कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में बताया जा रहा है कि जो याचिकाएं 7 याचिकाएं जो दायर की गई थी उन मामले को आज लेकर सुनवाई है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से महिलाओं ने उसके सर्वे को लेकर के, क्योंकि जो शिवलिंग की बात आ रही थी जो ज्ञानव्यापी के अंदर, क्योंकि उसको लेकर के जिस तरीके से कोर्ट ने रोक भी लगा रखी है, लेकिन इस मामले में आज दो मामलों पर सुनवाई है, क्योंकि जिसमें मुस्लिम पक्ष भी अपनी जो आपत्ति दाखिल करेगा। इसके साथ ही जो पुराने मामले की बात की जाए, जिस तरीके से 19 तारीख की जो बात है उस 19 मई की, क्योंकि 19 मई को जिस तरीके से कई महिलाओं ने वकील के जरिए अपनी याचिका दायर की थी और पूरे साइंटिफिक जांच की मांग की थी ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के, क्योंकि ज्ञानव्यापी का जो एक जहां पे वजूखाना है, वजूखाने के पास शिवलिंग की जो बात कही जा रही थी, उसके साथ ही कहा जा रहा था कि पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के पूरा सर्वे कराया जाए, जिससे कि उसकी जो पूरी सच्चाई है वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए, और वहाँ पर जो मंदिर को लेकर के जो बात उठ रही थी तो उसका जब जांच हो तो आखिर उसको मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके से इस मामले में सुनवाई होगी और आपत्तियां भी दाखिल कर की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं ना कहीं जो आज फैसला आना है वो भी देखा जाएगा कि आखिर उस पर जो लोगों की जो निगाहें बनी हैं तो उस निगाहों को लेकर के आज एक जो अहम फैसला है ज्ञानव्यापी मामले को लेकर, क्योंकि लगातार इसको लेकर के विरोध भी देखने को मिला है और कोर्ट में सुनवाई भी इस मामले में लगातार चल रही है। फिलहाल जिस तरीके से आज दो केसों पर जो सुनवाई है उसमें आज जो फैसला आएगा उस पर लोगों की लगातार निगाह बनी हुई है। ईशा जी, जी तो कलीम, क्या कुछ आपत्तियां हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से जो वो आज, जिसके बारे में आज चर्चा होगी कोर्ट में? देखिए, जैसे आपत्तियां तो कई कही जा रही हैं, जैसे कि जिस चीज को कथित रूप से शिवलिंग कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर जो पानी के बीच में शिवलिंग है उसको लेकर के भी कई आपत्तियां हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि पहले समय में जो फव्वारे होते थे वो लगाए जाते थे वजू खाने के पास और उन्हीं पानियों से वजू किया जाता था, लेकिन जिस तरीके से कथित रूप से शिवलिंग की बात आई है तो उसको लेकर के जिस तरीके से कोर्ट में याचिका दायर हुई है, इससे पहले जो मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका दाखिल करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया था, लेकिन आज जिस तरीके से दो अहम फैसलों पर सुनवाई है तो उसको लेकर आज आपत्तियां भी दाखिल होंगी और उन आपत्तियों पर क्या कुछ फैसला आएगा, वो जो आपत्तियां दाखिल होंगी क्या उसको जो है स्वीकार किया जाएगा, या पिछली बार की तरह जिस तरीके से खारिज हो गई थी क्या इस बार भी उसको लेकर के जो ये दाखिल होंगी उसको स्वीकार होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो महिलाओं ने
सात महिलाओं ने इसमें जो याचिका दायर की है वो बड़ी बात है कि जो शिवलिंग को लेकर के और इसके साथ ही पूरा साइंटिफिक जो सर्वे की बात कही गई है कि उसकी पूरा साइंटिफिक सर्वे हो जिससे पूरी सच्चाई सामने आए लोगों के बीच में और वो उसको जो है मंदिर घोषित किया जाए ज्ञानव्यापी को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज जो फैसला है वो लोगों के लिए बड़ा अहम फैसला है और इस पर सभी की पूरी निगाहें टिकी हुई हैं, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई क्योंकि ये एक लोगों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी तो कलीम लगातार हिंदू पक्ष की ओर से साइंटिफिक सर्वे के लिए कहा जा रहा है लेकिन मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति जताता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बात साफ है ईशा जी कि आपत्ति तो जाहिर हो ही रही क्योंकि ये एक बड़ा मामला है क्योंकि इससे पहले बात की जाए जिस तरीके से अयोध्या मामले में काफ़ी आपत्तियां जाहिर की गई थी लेकिन आखिरकार लास्ट में फैसला जो आया था उस फैसले का सभी ने सम्मान भी किया था। इसी तरह से अब ज्ञानवापी का जो मामला है उसमें भी लगातार आपत्ति दाखिल हो रही है क्योंकि दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो भी अपनी याचिकाएं जो दायर कर रहे हैं और इसमें जो आपत्तियां दाखिल कर रहे हैं उन आपत्तियों को लेकर के जो सर्वे की मांग की गई है उस सर्वे को लेकर के भी आज फैसला आना है कि क्या उस पर सर्वे होगा और सर्वे के बाद जो उसमें चीज़ें सामने आएंगी क्या वो वाकई मंदिर है या फिर मस्जिद है या फिर जो कथित रूप से शिवलिंग कहा जा रहा है उसकी भी क्या कुछ सच्चाई है। इन सभी मामलों को लेकर के जो आपत्तियां हैं उन आपत्तियों पर भी सुनवाई हो सकती है और उस पर एक अहम फैसला भी आ सकता है। आज क्या कुछ बड़े फैसले आएंगे कोर्ट की ओर से ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद कलीम। वाराणसी कोर्ट में मुस्लिम पक्ष आज अपनी जो आपत्तियां हैं वो दाखिल करेगा वहीं इसको लेकर आज कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाएगी ये देखने वाली बात होगी। ज्ञानव्यापी के दो मामलों को लेकर आज कोर्ट जो है सुनवाई करेगी वहीं अभी तक जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कई आपत्तियां देखने को मिली है। वहीं साइंटिफिक सर्वे को लेकर जहां हिंदू पक्ष जोर दे रहा था वहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो इसको लेकर आपत्तियां जता रहा था। ऐसी ही कई चीज़ें हैं जिसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने आपत्ति दाखिल की है वहीं आज इन सब चीज़ों को लेकर कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। ज्ञानव्यापी के दो मामलों को लेकर आज आपको बता दें जो कोर्ट है वो सुनवाई कर सकता है वहीं इन मामलों में आज कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है। तो आपको बता दें आज बड़ा फैसला आने की उम्मीद है ज्ञानव्यापी से लेकर। आपको बता दें बहुत काफ़ी दिनों से लोग इस मामले को लेकर फैसले का इंतज़ार कर रहे थे वहीं आज वो घड़ी आ गई है जब ज्ञानव्यापी मामले को लेकर ज्ञानव्यापी से जुड़े दो मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला सुनाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खाप पंचायतों की ओर से दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद हरियाणा में महापंचायत हुई और खाप पंचायत ने महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर बड़ा फैसला लेते हुए 28 मई को नए संसद भवन में अब याचिका में चर्चा करने की बात कही है। इसके साथ ही खाप पंचायतों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की जल्द गिरफ्तारी करने और उनका नार्को टेस्ट करने की मांग की है और खाप पंचायतों में 23 मई को दिल्ली में पहलवानों की ओर से निकाले जाने वाले कैंडल मार्च को भी अपना समर्थन दिया। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को खाप पंचायत के बाद अपना एक फैसला दिया है।
बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। साथ ही बीजेपी सांसद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट होना चाहिए, और अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसका ऐलान करें। जानकारी के मुताबिक महापंचायत के बाद आज पहलवान सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विभांशु जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, जैसा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हूं, लेकिन पहलवानों को भी मेरे साथ नार्को टेस्ट करवाना होगा, वहीं अब पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है इसको लेकर, तो क्या पहलवान अब राजी है नार्को टेस्ट के लिए? ऐसा बात की जाए तो महम 24 के ऐतिहासिक आखड़े पर कल कहीं ना कहीं किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें अगर बात की जाए तो पहलवानों की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 21 मई तक ब्रजभूषण शरण सिंह को न्यायिक प्रक्रिया के तहत हिरासत में नहीं लिया जाता, उनसे पूछताछ नहीं लिया जाता है, उनके मामले को लेकर कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो वो उग्र रूप लेंगे। आपको बताएं कि कल अल्टीमेटम समाप्त हो गया। आज बात करें तो कल महम 24 के ऐतिहासिक अखाड़े पे कई विषयों पे चर्चा की गई, जिसमें खाप पंचायत के, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई बुजुर्ग सम्मिलित हुए। इसमें साफ तौर से कहीं ना कहीं खाप पंचायतों की तरफ से आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद आप देखती हैं कि कल देर शाम पहलवान की तरफ से बयान आता है और कहा जाता है कि खाप पंचायत का जो निर्णय है वो देश के लिए सही नहीं होगा। और साथ ही आपको बताएं कि इस मामले को लेकर जहां एक तरफ खाप पंचायत, अब महिला खाप पंचायत कहीं ना कहीं का आयोजन करने वाली है, आने वाले दिनों में नए संसद भवन के सामने या उसके अंदर कहीं ना कहीं महिला खाप पंचायतों की टुकड़ी इस मामले पर कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आएगी या मांग करते हुए नजर आएगी। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए ईसा, तो कल रात ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट डाला जाता है, जिसमें साफ तौर से एक चुनौती देते हुए पहलवानों को पोलियोग्राफी, नार्को एवं तमाम जो टेस्ट हैं वो कराने की स्वीकृति दी जाती है। उनके तरफ से कहा जाता है कि मैं टेस्ट कराने के लिए रेडी हूँ और मैं निर्दोष हूँ, तो मुझे डर किसी बात का नहीं है, मुझे भय किसी बात का नहीं है। जिसके बाद अगर बात की जाए तो पोस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं पहलवानों को भी एक चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साथ ही साथ तमाम जो पहलवान हैं वो भी ये टेस्ट कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। साफ तौर से अगर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं अपने एक बोल्ड नेचर की वजह से जाने जाते हैं, एक बार फिर वो कहीं ना कहीं पहलवानों को चुनौती दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खाप पंचायत से पहलवानों के मुद्दों को लेकर पूरी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। अब आज पहलवानों की तरफ से अभी कुछ ही समय के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, 11 बजे का समय तय किया गया है और कुछ ही समय के अंदर पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम श्रेष्ठ और खाप पंचायत के नेता मौजूद रहेंगे। जी ईसा, तो विभांशु, जो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है पहलवानों की, क्या कुछ वो बड़े फैसले या कुछ क्या बड़ी बातें कह सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी, अगर बात की जाए ईसा, तो कल विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया था कि खाप पंचायत की बैठक के बाद जो निर्णय उनकी तरफ से लिया गया है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं देश के लिए बुरा होगा। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये पहलवान एक अलग पैतरा अपनाते हुए कुछ अलग चाल चल सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो खाप पंचायत के अंदर में अगर देखा जाए तो किसान आंदोलन हो, तो किसान आंदोलन के दौरान एक शब्द बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, लाठी और गोला। लाठी और गोला का अर्थात कहीं ना कहीं आंदोलन होता है खाप पंचायत और किसान पंचायतों के अंदर में। ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं एक बार फिर जैसा कि विनेश फोगाट कहते हुए नजर आ रही हैं कि दिल्ली की सड़कों पर किसान और साथ ही साथ खाप पंचायतों की समर्थन देखने को मिल सकता है, जैसा कि हाल फिलहाल में पहलवान और मूवमेंट को देख के कहा जा रहा है। मगर बात की जाए तो साफ तौर से अगर इस आपके सवाल पे लौटे तो
अगर देखें तो तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं कार्रवाई और जो सरकार का रवैया है उसको लेकर कहीं ना कहीं पहलवान बात करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि बात करें तो लगभग 6 से अधिक महिला रेसलरों ने विभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का केस लगाया है और अब विभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद से हटा दिए गए हैं। उनके द्वारा चुने गए सभी सदस्यों को निष्कासित किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें पहलवानों की तरफ से क्या किन मांगों को रखा जाता है और किन्हें टारगेट किया जाता है। और जो WFI के पूर्व चेयरमैन विभूषण शरण सिंह की तरफ से चुनौती दी गई है पहलवानों को कि नार्को टेस्ट और साथ ही साथ तमाम टेस्टों को किया जाए, उसको लेकर पहलवानों का क्या जवाब आता है? जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें कह सकते हैं पहलवान। इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद विभांशु। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो